दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भू नक्शा निकालने के बारे में। यदि आप अपने खेत का, गांव का, यदि कहीं कभी आप किसी भी प्रकार के यदि आप नक्शा निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है भू नक्शा यूपी, जैसे लिख के सर्च करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका पहला यहाँ पे लिंक आएगा भू नक्शा, पहले वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आप यहाँ पे एक न्यू पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है स्टेट का नाम, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे दिया है डिस्ट्रिक्ट नेम, तो जो भी आपका ज़िला है आपको अपना ज़िला इसमें सेलेक्ट कर लेना है। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद नीचे दिया है तहसील, तो जो भी आपका तहसील पड़ता है आपको क्या करना है सेलेक्ट कर लेना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, नीचे दिया है विलेज, तो जो भी आपका विलेज पड़ता है आपको क्या करना है इसमें नीचे सेलेक्ट कर लेना है। विलेज सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, थोड़ा सा ऐसे जूम करेंगे तो आपके सामने जो यहाँ पे नक्शा रहेगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया है प्लॉट नंबर दिया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे। यदि आपको अपना प्लॉट नंबर पता है तो आपको क्या करना है डाल के आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 605 नंबर यहाँ पे मान लीजिए किसी का भी है, हम यहाँ पे सर्च करके आपको यहाँ पे तौर पर दिखाते हैं। 605 मान लीजिए हमने टाइप कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे तो जो हमारा 605 है यहाँ पे टाइप जैसे करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो 605 है देख सकते हैं हमारे सामने, बस आपको वही दिखाई देगा। और उसमें क्षेत्रफल कितना है उसको इसमें नाम दिख जाएगा और किन के नाम से है आपको सारा चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे प्लॉट इन्फॉर्मेशन, खाता संख्या आपको मिल जाएगा, खसरा संख्या मिल जाएगा और कितना उसका क्षेत्रफल है आपको वो भी मिल जाएगा इसमें देख सकते हैं। क्षेत्रफल कितना है आपको यहाँ पे देख मिल जाएगा, खातेदार का नाम मिल जाएगा, किनका किनका नाम है, क्या चीज़ है वो खेत है या फिर कोई कोई कौन सा जगह है, आपको सारे चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, या फिर निवास स्थान है। तो इस तरह से अपने नक्शा देख सकते हैं किसी का भी, अपने गांव का, खेत का या फिर रोड का, कहीं का भी आप चाहे तो इस तरह से अपने नक्शा देख सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों मेरे दादी जी जानकारी यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा।